उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में आज बिजली विभाग को लेकर धौलाना विधायक असलम चौधरी ने मोर्चा खोला। उनका कहना है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वे खुलेआम भोले भाले गाँव वासियों के साथ ठगी जैसा काम कर रहे हैं। ये दिन में गाँव में जाकर वीडियो बनाते हैं और वीडियो को खत्म करने के नाम पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर पैसे लेते हैं। इन फर्जी मुकदमों को लेकर जनता के विधायक धौलाना असलम चौधरी बिजली घर मसूरी पहुंचे और सभी अधिकारियों से तालाबंदी कर ऑफिस बंद करा धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सभी अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी और बिजली बिल में हो रही समस्याओं का निवारण भी हुआ। विधायक जी ने यह भी कहा कि अगर अब भी कोई संविदा कर्मचारी बिजली विभाग का किसी गाँव में मिले तो उसे पकड़कर उन तक खबर जरूर पहुँचाई जाए ताकि वे उनके खिलाफ कदम उठा सकें। विधायक असलम चौधरी जी धरने पर दो दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और यहाँ लोगों की मांगे सुनने के बाद में आज यहाँ पे जेई और यहाँ बड़े अधिकारियों के आने के बाद यहाँ पे लोगों की मांगे पूरी हुई हैं और यहाँ जेई और एक्शन एसडीओ बड़े बड़े अधिकारियों ने यहाँ पे आके लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं वो सभी यहाँ पर पूरी की जाएंगी। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का हंगामा हुआ है, लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा है, वो सब सुनी गई हैं। तो तुम्हारे जई वगैरह या संविदा वाले जबरदस्ती फिर तुम्हारा घर का प्रेरणा में भाई दिवस नाम का आदमी है तो उसे भी जमा कराओ, क्या सही कानून है? कितने पैसे जमा करे भैया तक? मैंने लगभग 25,000 रुपए दे दिए। 25,000 रुपए देना चुका भैया? जो मंत्री का होने जा रहा है 2 मीटर नोटिस पे है मंत्री का, ये है ये धैर्य का मुझे दे दिया, इससे पैसे मैंने जमा करे 25-30 हज़ार रुपए इस बार नहीं और 2 मीटर से 2,500 एक मिनट बचे एक बोला की 10,000 रुपए देना, 10,000 रुपए में आपकी किस्त बांध दूंगा, आपका दोष नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये लड़के ने कह दी की ठीक है जी मैं मेरी किस्त बांध दू 15,000। के आधार पे यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन के अंदर यहाँ सब समस्याएं पूरी हो जाएंगी। कैमरामैन सहरियाब के साथ मोहम्मद आसिफ सैफी, भारत लाइव।